यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे 100% पता है तो बेवकूफ बना रहे, क्योंकि पर डे 10% टेक्नोलॉजी नहीं निकलती है। यहाँ पर सारे मदरबोर्ड है, कोई जगह खाली हो बची हो तो मेरे को बताना एक बार, उसको भी भरने की कोशिश करेंगे। बस बोलते हैं साके ऊपर हिंगा छड़का और सभी मॉडल और कोर और थ्रेड और ऐप और के इनके बारे में अच्छे से मतलब सब कुछ पता है भैया, जल्दी बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं और सब कुछ एकदम सटीक बताते हैं, ठीक है। और दास ध्यान मतलब ये जो चीजें है ना भैया जो तेजी से बोल रहे हैं उनको एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मुझे बताइए, तो गाइस आज हम खड़े हुए हैं वेयर हाउस में जो कि स्मार्ट टैग का। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। तो गाइज इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं वेयर हाउस में भैया हमें क्या क्या चीजें दिखाने वाले हैं, प्रोसेसर मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड के प्राइस भी यहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे पीछे अगर आप देखो तो मतलब किस तरीके से वेयर हाउस पूरा भरा पड़ा है। और गाइज अभी हम अपने मतलब जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास में हमारे विकास भैया खड़े हुए हैं तो उनसे बात करते हैं। तो हेलो भैया, हाय। तो अपने बारे में थोड़ा और शॉप के बारे में थोड़ा बताइए। बारे में क्या बताऊं? हाँ, वो तो बताइए। शॉप के बारे में 101 बजा जाओ नियर बाय सोएन स्वीट। तो गाइज अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो मदरबोर्ड को देखते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड के आप मेरे पीछे अगर आप देखो तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर पूरा मतलब भरा पड़ा है मदरबोर्ड का स्टॉक, ठीक है। तो अभी हम उनके बारे में जानते हैं और थोड़ा प्राइस के बारे में जानते हैं। तो भैया मतलब जो मदरबोर्ड में आपके पास में कौन कौन सी ब्रांड अवेलेबल हो पाती है? जो कस्टमर को चाहिए वही मिल जाएगा। मतलब फिर भी कौन जो भी MSI, ASUS, GIGABYTE, Acer, कुछ भी जो भी कंपनी है सारी सब मिल जाएगा। हाँ, और MSI में जैसे MSI के जो मदरबोर्ड हो गए उनमें उनके प्राइजेस क्या हो गए? मतलब भाई देखो प्राइजेस क्या बताएं, जो भी मार्केट रेट होगा, कोटेशन में 7 चीजें होती है, 8 चीजें, तो कोटेशन में कुछ चीज माइनस होती है कुछ चीज प्लस होती है। जो भी मार्केट रेट होगा पूरे सिस्टम का 1000 रुपए नीचे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब और मदरबोर्ड के रेट की बात है तो देखो काफी सारी चीजें हैं, क्या क्या बताएं। यहाँ पर ये B550 A Pro है, फिर वहाँ B550 Tom हो गया, फिर वहाँ B450M गैलेक्सी का है, फिर उसके बाद B450 Tomahawk Max 2 भी है, फिर यहाँ स्टील लेजेंड भी है B550। तो अलग अलग है, किस किस का रेट बताएंगे, जो चाहिए आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रांड तो सभी अवेलेबल है, प्राइस भैया मतलब पूरी गारंटी ले रहे हैं कि प्राइस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो भैया मतलब B550 उसके प्राइस एक बार मतलब बताइए। B550 मेरे से स्टील लेजेंड ले लेना, ये बोर्ड होगा, एक बार देख लो ये रहा। ओके, इसका प्राइस क्या होगा? 15600। 15600, ठीक है। और ये जो ये हो गया यहाँ पे लगा है B550 A Pro, ये MSI का है। ये मुझे अपने मुंशी जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि भाई ज्यादा हर चीज का रेट जरूरी नहीं है कि मालूम हो। स्टॉक में कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं कि रेट मालूम नहीं होता, हम डायरेक्ट पूछ लेते भाई क्या रेट रखे, उस हिसाब से रेट दे देते हैं। भैया बहुत सारी आइटम है जिनका रेट दिमाग में होता है नहीं होता है। यहाँ पर सारे मदरबोर्ड है, कोई जगह खाली बची हो तो मेरे को बताना एक बार, उसको भी भरने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें जो डिस में लगी है वो अलग ब्रांड की है, कुछ पेटीएम बंद है वो अलग ब्रांड है, सारे ब्रांड है, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही ब्रांड है। मदरबोर्ड की शुरुआत आपके 3400 से A320 आता है, फिर उसके बाद आता है आपका A320 में भी ब्रांड वैल्यू में मैटर करती है, कोई 3600 का, कोई 3700 का, कोई 4000, कोई 4200 ऐसे होगा। फिर उसके बाद B450 आ गया आपका, B450 में भी आपके 2 रैम स्लॉट 4 रैम स्लॉट, वो दोनों एक 5000 के समथिंग का, एक 6000 के समथिंग का। फिर उसके बाद आता है B450 में आपको वाईफाई भी चाहिए, वो 7000 के समथिंग का, जिसमें वाईफाई चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को अब ऐप नहीं चाहिए, मेरे को ATX चाहिए, फिर उसके हिसाब का रेट बढ़ जाता है। नाम B450 होगा, फीचर बढ़ते जाएंगे रेट बढ़ते जाएंगे, बस यही होता है। तो ठीक है भैया, मतलब अभी मैं आपसे एक मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं एक मदरबोर्ड लूँ तो मेरे को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि मेरे को एक बेस्ट मदरबोर्ड, एक अच्छा मदरबोर्ड मिल जाए? बेस्ट मदरबोर्ड पहले तो हमने देखना 4 रैम स्लॉट, वाईफाई मिल जाए तो बैलेंस गुड, जिसे बोलते हैं साके ऊपर हिंगा छड़का, ठीक है भैया की मतलब ये स्पेशल कहावत होती है, मतलब पहेलिया, ठीक है, इनको समझो। तो वो चीज है, वाईफाई मिल जाए तो बढ़िया। फिर उस 4 रैम स्लॉट से क्या होगा, अभी एक मदरबोर्ड ड्यूल चैनल सपोर्टेड है, 2 रैम लगा दी, बाद में मेरे को रैम इंक्रीज करनी पड़ी, मुझे लगा मैंने 8 GB की 2 लगाई, बाद में सिंगल 32 GB की ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो 4 रैम स्लॉट देखने, दूसरा उसके अंदर VRM वर्चुअल रैंडम मेमोरी, वो चीज भी देखनी है। VRM मतलब वर्चुअल रैंडम मेमोरी जो उसके जो साथ में लगे होते हैं मैटर करता है भाई। को बजट है सबसे पहले तो आपको वही देखना होगा, फिर आपको मॉडल चेक करना होगा, सबसे पहले बजट ही देखना है, नहीं तो भैया जितना मर्जी पैसा डालते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में जाना अच्छे से, थोड़ा प्राइस के बारे में जाना, प्राइस जो भैया मतलब पूरी गारंटी ले रहे हैं कि मतलब प्राइस आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और भैया प्राइस थोड़े अच्छे ही देते हैं, मतलब बहुत अच्छे प्राइस रहते हैं भैया के। भाई देखो जो वीडियो देख के आए हैं वो बंदे कमेंट करते होंगे, उनसे पूछ लेना, उनके कमेंट पढ़ लेना, अगर कमेंट पढ़ के उनसे कॉल भी करके बात कर लेना कि कैसे मिलते हैं नहीं मिलते। तो अभी हमने मदरबोर्ड की तो बात कर ली, अभी हम प्रोसेसर पे आते हैं अपने, ठीक है। तो अभी हम पहले यहाँ पर इंटेल के प्रोसेसर है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, वो फिर AMD के बारे में बात करेंगे। तो भैया मतलब इंटेल में आपके पास में कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं, थोड़े एक ही स्पीड में बताऊंगा सारे। हाँ, कोई बात नहीं। इंटेल में मिलेगा आपको i3 10th generation 4 Core 8 Thread का प्रोसेसर, वो पड़ेगा 7000 का, F-सीरीज के बता रहा हूँ अभी मैं। और जो आपका i5 है i5 10th generation मिलेगा 10400F, वो पड़ेगा आपको 12500 का, 6 Core
2.9 up to 4.3 प्रोसेसिंग स्पीड। ऐसे अपने में तीन वेरिएंट है, एक पड़ेगा 24,000 का, एक पड़ेगा 25,000 का, एक पड़ेगा 28,500 का। फिर आप आ जाते हो i9 में, i9 मेरे पास 9 जनरेशन भी पड़ा है, वो दे दूंगा आपको 28,500 का। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम उसमें i9 हो गया, i9 10 जनरेशन मिलेगा आपको कितने का, एक पड़ेगा 32,000 का, एक पड़ेगा 34,500 का, एक पड़ेगा 38,000 रुपए का। इसमें क्या है, एक नॉर्मल एक एफ है, एक ग्राफिक वाला है, एक के सीरीज है ओवरक्लॉक एडिशन, ये तीन हो गए। फिर उसके बाद इंटेल में आते हैं अपना 12th जनरेशन में मेरे पास i5 पड़ा है 12600 के, वो आपका 10 कोर का प्रोसेसर है, ठीक है ना, वो भी मिल जाएगा, वो पड़ेगा आपको 32,500 का। फिर उसके बाद में आएंगे हम 12700 के पे, वो आपका 12 कोर का प्रोसेसर 20 थ्रेड के साथ में, वो पड़ेगा आपको 42,500 का। फिर उसके बाद आते हैं हम i9 पे 12900 के, वो पड़ेगा आपको 63,500 रुपए का। ठीक है, तो भैया ने मतलब एक ही मतलब जब स्टार्ट हुए ना मतलब बोलते ही चले गए सभी चीजें, मतलब इतने आसानी से बता दिया मतलब जो वहां पे रट रखी है भैया के, और सब कुछ माइंड से आप बोलो ना इतना आसानी से, ये बहुत मतलब स्ट्रगल किया भैया ने बहुत ही अच्छे से, मतलब प्राइस और सभी मॉडल और कोर और थ्रेड और ऐप और के इनके बारे में अच्छे से मतलब सब कुछ पता है भैया को। ठीक है, तो अभी हम भैया से मतलब थोड़ा ऐप और के जो वेरिएंट है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, कोर और थ्रेड के बारे में थोड़ा जानते हैं, भैया इनके बारे में बताइए थोड़ा। देखो ऐप वाले में हमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसे ग्राफिक कार्ड है भी लगाना है वो ऐप वाला ले लेता है, ठीक है ना। एक आता है मुझे ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, मेरे को नॉर्मल यूएचडी ग्राफिक जो इनबिल्ट है उससे काम चल जाएगा, कोर मैटर करते हैं। एक आता है मुझे प्रोसेसिंग स्पीड हैवी चाहिए, ठीक है ना, और ग्राफिक कार्ड भी लगाना है, तो प्रोसेसिंग स्पीड हैवी चाहिए तो के सीरीज आएगा, के सीरीज आएगा अनलॉक्ड, उसमें हाइपर थ्रेडिंग और दोनों चीज होती है, अनलॉक्ड होता है, बूस्ट भी कर सकते हो भाई उसमें जाकर से, ठीक है। तो अभी मतलब भैया अगर कोई प्रोसेसर ले रहा है तो उसको कोर और थ्रेड तो देखनी चाहिए, वो प्राइस तो देखना चाहिए, सबसे पहले प्राइस आता है, आपका बजट कितना है, और उन चीजों के अलावा मतलब के और एफ के वेरिएंट मतलब देखना चाहिए, और इन चीजों के अलावा और क्या चीजें देखनी चाहिए जो आप बताना चाहोगे, क्या चीज देखनी चाहिए, किसमें, प्रोसेसर में। देखो प्रोसेसर में मैटर तो कोर ही करते हैं, ठीक है, कोर और थ्रेड बस यही मैटर करता है, और प्रोसेसिंग स्पीड कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, ठीक है भैया। और आपके पास में मतलब अभी 12 जनरेशन है, हाँ है, ठीक है, मतलब अवेलेबल है, बिल्कुल है, और पीसी बिल्ड भी हो रहे हैं, 5 से 7 बना चुका हूँ अभी तक, पांच से सात बन चुके हैं, ज्यादा शॉर्टेज है उसमें, क्योंकि i5 थोड़ा सस्ता भी है और 10 कोर का प्रोसेसर है 32,500 का। आप देखो कि कौन सा प्रोसेसर 10 कोर का है जो 32,500 का है, और उसमें भी बोर्ड जो आता है उसमें दो आते हैं, एक D4 का रैम आता है, D4 DDR4 का, और एक आता है DDR5 रैम का, दोनों बोर्ड होते हैं अगर 12 जनरेशन ले रहे हो। अब अगर आपको चाहिए कि मुझे DDR5 की रैम चाहिए तो उसके लिए भी बोर्ड है, DDR4 की रैम चाहिए उसके लिए भी बोर्ड है, ठीक है। और आपकी DDR4 में जो रैम मिलेगी आपके 5400 और 5800 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलेगी, अवेलेबल है सब कुछ, अवेलेबल है, और मदरबोर्ड वगैरह मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सॉफ्टवेयर खुले नहीं निकाल के, ठीक है। बस भैया मतलब थोड़ा सा यही हो रहा है, बॉक्स भी यहाँ पे रखे हैं, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो पूरे भरे पड़े हैं बॉक्स, बस थोड़ा ये हो रहा है कि अगर भैया इनको खोल के एक एक करके दिखाए तो बहुत ही मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा उनको, मतलब खोल के रखना फिर वापस रखना। आप पीछे मतलब उधर देख लिया मदरबोर्ड तो रखे है, इन बॉक्स में यहाँ पे ग्राफिक कार्ड रखे है, नीचे यहाँ पे लगा रखे है, और एक अफीम कार्ड रखा है भैया का कहना 2060 सुपर, ठीक है, ये अफीम कार्ड है जो कि non-LHR है भैया के पास में है। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर को कवर किया, और अभी हम जो हमारे ryzen AMD प्रोसेसर है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो भैया उनके बारे में बताइए थोड़ा जल्दी बोलूंगा। अरे भैया मतलब जल्दी बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं और सब कुछ एकदम सटीक बताते हैं, ठीक है, और दास ध्यान मतलब ये जो चीजें है ना भैया जो तेजी से बोल रहे हैं उनको एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भैया बताइए मेरे पास सिस्टम जो AMD में जो प्रोसेसर पड़े मेरे पास पड़ा 3300X 4 कोर 12 थ्रेड का 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, वो पड़ेगा आपको 13,000 रुपए का। फिर उसके बाद 3500 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर, वो पड़ेगा आपको 14,000 रुपए का। फिर उसके बाद आएगा आपका 3600 3600 पड़ेगा आपको 17,500 का। फिर उसके बाद आएगा आपका तुम्हारा क्या नाम है इसका 5600X, वो पड़ेगा आपको 21,500 का। फिर उसके बाद आएगा आपका कितना 5600G, वो पड़ेगा 24,500 का। फिर 5700G, वो पड़ेगा आपको 28,000 रुपए। फिर 5800X, वो पड़ेगा आपको 31,500 का। फिर 5900X, वो पड़ेगा 43,500 का। फिर 42,500 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5950X, वो ले लेना आप मेरे से 58,000 का, और बोलता ठीक है। तो यार मैं क्या बोलूं भैया, बस दिमाग में भर रखा है सब कुछ, और मतलब यार एक सांस में ऐसे बोलने जाते हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरे को नहीं हो पाएगा गाइस, सच में मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भैया ये प्राइस आपने बताए, अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर आता है या कोई पीसी बिल्ड कराता है तो उसको मतलब कुछ मिलेगा डिस्काउंट? भाई देखो कसम खा के तो हम बैठे नहीं है, होगा तो अच्छा ही करके देंगे, नहीं तो राम राम करेंगे, ठीक है। देखो मार्केट से अच्छा रेट दूंगा मैं, कभी कभी मांग भी लेता हूँ कि मेरे को दे दो इतने का, जो मार्केट रेट होगा अच्छा उससे अच्छा ही दूंगा, ठीक है ना भाई। देखो हर कोई चाहता है कस्टमर बना, जो रिटेल काउंटर होता है चैन के थ्रू, आपको अच्छा दिया तो दूसरा बंदा 4 को बताएगा, वो 4-8 को बताएंगे, ऐसे चलता है। तो वही चीज है, रेट भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा, सील्ड पैक अपने हाथ से खोलो और लड़के को दो, असेंबल करके दे देगा, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। यानी कि आपको 4 घंटे बैठा के कि भैया आ रहा है सामान, आ रहा है सामान, काउंटर वेट नहीं करवाएंगे, है तो बोलेंगे दे देंगे, नहीं तो भैया नहीं है, है तो देंगे, दे देंगे निकाल के,
नहीं तो बोलेंगे नहीं नहीं है भाई, ठीक है गाइस होती है, क्योंकि भैया किसी का यार टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती, क्या पता मेरे से ज्यादा टाइम लेके आप किसी और जगह जाते, क्या पता अच्छा मिल जाता, ठीक है ना। तो मैं आपको 4 घंटे वेट क्यों कराऊं, वो चीज है। तो भैया मतलब हमने यहाँ पर सभी मतलब जो हमारे मदरबोर्ड थे, प्रोसेसर थे, इंटेल और राइजन, इनके बारे में बात की, और अभी मतलब थोड़ा मतलब जो माइनिंग वाले बोर्ड होते हैं, वो माइनिंग के लिए प्रोसेसर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा मतलब है। तो पहला आता था टीवी 250 बीटीसी प्रो, फिर उसके बाद आया टीवी 260 बीटीसी प्रो 2.0, फिर उसके बाद टीवी 260 बीटीसी प्रो में भी एक बड़ा आता है जिसमें 8 कार्ड राइजर लेस कार्ड होता है, वो भी मिल जाएगा। और टीवी 360 2.0 वो भी मिल जाएगा, उसमें 2 पावर सप्लाई एक साथ लगा सकते हो। टीवी 250 बीटीसी प्रो अभी थोड़ा शॉर्टेज चला, उसमें जो आपका टीवी 360 उसमें 9th जनरेशन प्रोसेसर लगता है, 9th जनरेशन 8th जनरेशन दोनों प्रोसेसर लग जाते हैं। और आप माइनिंग रिग वगैरह भी मतलब बिल्ड करते हो भाई? हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। वो गेमिंग पीसी तो यार है ही है भैया का मतलब काम, गेमिंग पीसी तो बिल्ड करते हैं। माइनिंग रिग सारी रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है, बना के देते हैं। मेरे पास माइनिंग रिग सब कुछ है, ठीक है गाइस। तो मतलब हमने भैया से अच्छे से मतलब भैया ने एक एक चीजें बताई, अगर आपको कुछ समझने ना आया हो, मतलब कुछ लगा होगी ज्यादा स्पीड हो रही है, तो आप मतलब थोड़ा स्पीड को कम करके देख सकते हो, क्योंकि यार भैया का मतलब वो है ना, भैया के मतलब पूरा दिमाग में घुसा पड़ा है कि जो प्राइस ये है, मॉडल ये है यार, क्योंकि प्राइस यार डेली चेंज हो रहे हो भैया, मतलब तुरंत याद रखते हैं माइंड। देखो ये आईटी फील्ड है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोला है मुझे 100% पता है तो बेवकूफ बना रहे, क्योंकि पर डे 10% टेक्नोलॉजी नहीं निकलती है, 100% किसी को नहीं पता, रोजाना टेक्नोलॉजी नहीं नहीं आ रही। हाँ तो कोई बोले ना 100% पता है मेरे को कुछ भी, तो बेवकूफ बना रहे, और कुछ नहीं है। इसी बात पे टेक्नोलॉजी गो को सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। तो टेक्नोलॉजी गो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।